हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग पार्ट 14 वीडियो देखेंगे, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण क्लास 10 फ्रॉम केसी सिन्हा बुक से देखेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 तक एक्सरसाइज 3.5 से किया था। आज हम लोग चलेंगे टाइप 7 और क्वेश्चन नंबर 34 तक चले थे, तो आज 35 से होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 टाइप 6 का है, देखेंगे समझेंगे और फिर एक करके बनाते हुए बढ़ेंगे। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिएगा क्वेश्चन, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़िए, एक बार में ना समझ में आए दो बार तीन बार चार बार पढ़िए। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि एक राजमार्ग है, यानी कि राजमार्ग मतलब एक सड़क है, यहाँ पे स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है, सड़क है। और इसको हम क्या कर देते हैं कि इसमें ए और बी पॉइंट लिया है, यानी कि इसको ए और इसको क्या कर देते हैं बी। ए और बी पॉइंट है सड़क का। होता क्या है यहाँ पे कि एक ए से चलता है और दूसरा ए और बी 120 किलोमीटर, नहीं छोड़िए इसको, ए और बी इसके बीच का दूरी कितना है, अभी 120 किलोमीटर है। ए और बी दो पॉइंट है एक सड़क का, इसके बीच का दूरी कितना है 120 किलोमीटर है। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक है कि ए से चलता है और दूसरा बी से चलता है, दो कार है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलता है और दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है, एक ही टाइम में चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि चाल निकालना है ना, तो हम यहाँ पे चाल पहले मान लेते हैं, ए कार की चाल और बी कार की चाल, तो दोनों कार है दोनों का चाल मान लेते हैं। तो माना कि देखिए अभी मान रहे हैं, माना कि ए कार की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का है। अब मान लेते हैं किसका, बी का, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का दो चर वाला है ये, तो बी का हो जाएगा आपका वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यह बी का हो गया। अब क्या करते हैं कि एक चीज़ हमको निकालना है क्या, चाल। तो आप लोगों को पता होगा कि स्पीड यानी कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा दूरी बटा समय। चाल का यही फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे चलेंगे। देखिए अब यहाँ से दोनों का मान लिए, चाल बराबर भी कर दिए, अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि आगे देखिए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, ए से और एक बी से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। यदि वे एक ही समय में चलते हैं तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। कितना घंटा मिलता है, 6 घंटा में। अच्छा ये बताइए, और एक ही दिशा में भी चलता है, ये भी बताता है ना, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है यदि वे एक ही दिशा में चलती है। तो देखिए यदि ए चलेगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया समझना है क्वेश्चन को, यदि मतलब कि यहाँ पे क्या है कि कोई कार है और एक कार यहाँ पे है, दोनों इधर की ओर चल रहा है, इधर की ओर ही चल रहा है एक ही दिशा में सपोज, और दूरी कितना है 120 किलोमीटर,
ठीक है, चलना प्रारंभ करता है, मिलता है कितना समय के बाद, 6 घंटा के बाद मिल जाता है। और दूरी 120 किलोमीटर है, जैसे बी हो सकता है कि बी के लिए कार यहाँ से चले, एक ए के लिए यहाँ से चले, और दोनों कहाँ कितना घंटा के बाद मिलता है, 6 घंटा के बाद मिलता है। अच्छा, तो मिलेगा आगे वाला कार से पीछे वाला कार का स्पीड ज़्यादा रहेगा तभी ना इसको पकड़ पाएगा ए से चलने वाला कार, यानी कि बी से जो चलने वाला कार है इसको यह कार तभी पकड़ सकता है जब इसका स्पीड ज़्यादा होगा, यानी कि एक्स का स्पीड जो है ज़्यादा है किससे, बी के स्पीड से, इसलिए एक्स में से वाई को घटाएंगे तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई। तब फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर चाल, चाल के लिए यहाँ भी लिखेंगे तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इधर देख रहे हैं ना, ये चाल है एक के लिए, यह चाल है बी के लिए, और यहाँ पे चाल लिखेंगे हम तो टोटल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 120, समय कितना समय के बाद उसको पकड़ पाया है तो 6 घंटा के बाद ना, यानी कि काटेंगे तो यहाँ पे 20 बार में कट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर में 20 समीकरण। चलिए फिर आते हैं अब प्रश्न से, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि वे तो 6 घंटे में दी तो हो गया, और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में, विपरीत दिशा में चलेगा। अच्छा समझिए, एक इधर से चले या इधर से चले, ऐसे ऐसे चल रहा है, एक एक कार इधर से और बी इधर से, अब इस कंडीशन में चलेगा तो आप सोचिए कि दोनों का ई कुछ स्पीड से आएगा, ए भी कुछ स्पीड से आएगा, और दोनों का स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा है, जुट जा रहा है, जुट कहेगा जुटेगा ना, मान लीजिए कि 20 के स्पीड से आ रहा है तो ये भी 30 के स्पीड से आ रहा है, सपोज तो 30-20-50 के स्पीड हो गया टोटल, तो दोनों विपरीत दिशा से आएगा तो स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो जुटेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, समझना है यहाँ पे। तो क्या होता है, समय इसका इस बार 1 घंटा 12 मिनट ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो चार बराबर फिर 120 बटा 1 घंटा 12 मिनट ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 12 मिनट का मतलब कि एक पूर्णांक, अब 12 मिनट है ना, तो 12 अब बटा में क्या कर देते हैं 60, अरे 1 घंटा 12 मिनट, तो 12 मिनट को हम क्या कर देंगे, एक रूप घंटा में बदलेंगे ना, तो 12/60 यानी कि इसको 60 से भागा देंगे, अब इसको काट दीजिए तो 12/25 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिएगा, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 120 आ बटा में एक कट ही गया, तो एक पूर्णांक 1/5 में हो गया, तब देखिए अब हम किसी को लिख सकते हैं ऐसे 120 आ बटा में इसको तोड़िए तो पूर्णांक घटाइए तो 5/6 क्या हो जाएगा 5, तो 6/5 हो जाएगा, तब इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 5/6, तब इसको काटेंगे 6 × 12 = 20 में तो 20/25 100 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 2। अच्छा, इसको आप अपने तरीका से भी हल कर सकते हैं, एक ही तरीका से नहीं, इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं घंटा में चेंज करके कर सकते हैं, तो हमने ऐसे कि आपको जो सुविधा जो तरीका जानते हैं उस तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 100 दो हो गया समीकरण मेरे पास, अब इन दोनों समीकरण से क्या करना है, सिर्फ हल करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तब हम इधर आ जाते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कितना कितना समीकरण, एक्स माइनस वाई बराबर में 20 और एक्स प्लस वाई बराबर में 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से y को घट गया 2x बराबर कितना 120, x बराबर कितना 60 में कट जाएगा ना, तो x बराबर 60। अब इसको क्या करेंगे कि हम किसी भी समीकरण में इसको मान रख देंगे x का, तो समीकरण फर्स्ट में कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट में x x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है x माइनस वाई बराबर 20, तो 60 माइनस वाई बराबर 20
माइनस वाई बराबर 20 माइनस में 60, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 40 यानी खत्म, वाई बराबर 40। अब मेरा एक्स का मान 60 और वाई का मान कितना हो गया 40, तो लिख देंगे कि अतः, देखिएगा बढ़िया से, अब यहाँ से लिखना है अतः स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर एक्स बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बोले थे ना कि ए का चाल ज्यादा होगा, तो ए का चाल ज्यादा है ना। अब क्या होगा, इसी प्रकार से लिखेंगे तथा स्थान बी से चलने वाली कार की, अब नहीं दिख रहा लिख दीजिएगा, अब नहीं दिख रहा तो छोड़ देते हैं। तो स्थान बी से चलने वाली कार की चाल वाई बराबर कितना 40 किलोमीटर पर घंटा आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर यह कौन सा है 35 क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यह क्या है आपका, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से चली होती तो यात्रा 2 घंटे कम समय लगता। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए भी ट्रेन आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रेन के चाल मान लेते हैं। और एक बात और हम बता देते हैं, 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक तेज चाल से चलती है, यह जो क्वेश्चन है ना 36 नंबर, यह आपका लीनियर इक्वेशन का नहीं है, यह आपका क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, जो कि अगला चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी का क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। यह आपका दो चर वाला नहीं होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे फिर भी बताते हैं। ठीक, दे दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे ना। यह आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर आगे के चैप्टर में इस तरह का मैथ बहुत सारा बनाने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 अब है रेलगाड़ी ना, तो रेलगाड़ी का चाल मान लेंगे। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आपको बता दे रहे पहले ही द्विघात समीकरण। ठीक, यह इसमें दे दिया है इसलिए हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, मान लिया, माना कि आप अपने बुक में लिख लीजिएगा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। ठीक है, रेलगाड़ी का चाल क्या मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब तो कुछ है नहीं, तब इसके बाद क्या होता है, समय बराबर हम जानते ही हैं क्या होता है, समय बराबर दूरी और बटा में चाल, जान रहे हैं। अब प्रश्न से कितना किलोमीटर चलता है, 300 किलोमीटर की दूरी, तो 300 किलोमीटर की दूरी, तो 300 बटा कितना हो जाएगा एक चाल, माने है ना, समय कितना, टोटल समय वह कितना लगता है, तो टोटल समय इसको 2 घंटा में लगता है, 2 घंटा टोटल समय लगता है। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, आ यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाता है, उसके बाद यानी कि 300 किलोमीटर के बाद वह 500 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि एक्सीलरेटर बढ़ा दिया है, तेज चल रहा है, तब जाकर के उसको टोटल 2 घंटा समय लगा है। तो ये तो 300 किलोमीटर तो एक्से के चाल से चला, ये समान चाल हम माने थे। अब क्या हुआ है कि आपकी जो चला, ओ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। देखिए यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज से चलती तब समय 2 घंटा कम लगता। सॉरी, यहाँ पे तब समय क्या लगता, 2 घंटा कम लगता,
तो अधिक तेज से चलते, यानी कि दूरिया तो 300 है लेकिन 5 किलोमीटर चलवा बढ़ गया, तो बताइए कितना में समय ज्यादा लगेगा? चाल एक्स के स्पीड से जाएगा 300 किलोमीटर तब समय ज्यादा लगेगा कि चाल एक्स प्लस 5 के स्पीड से जाएगा 300 किलोमीटर तब समय ज्यादा रहेगा? तो ज्यादा समय एक्स वाला में रहेगा, तो इसमें से इसको घटाने पर क्या होता है कि 2 घंटा का अंतर पाता है। क्या कह रहा है कि 2 घंटा कम समय लगता है, यानी कि अंतर 2 घंटा का, तो इसको में से इसको घटा देंगे बराबर 2। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, एक्स से एक्स खत्म, तो कितना हो जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस में 5 और माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 खत्म, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 300x और बराबर में 2। अब चलिए 300 में x से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 300x, 300 में 5 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 1500, अरे होगा ना, माइनस 300x। अब नीचे x में x से गुना हो जाएगा x स्क्वायर और x में 5 से गुना हो जाएगा 5x और बराबर में 2। अब यहाँ पर देखिए 300 प्लस माइनस घर कतर देंगे, कट गया। अब क्या हो जाएगा 1500 और बराबर गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर और प्लस 10x होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है ना, 2 को घात आ गया तो द्विघात समीकरण का ही है। तब यहाँ पे अब क्या करेंगे इसको कि इसका ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x और 1500 के बराबर तो उस तरफ जाएगा तो माइनस 1500 और बराबर 0। अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे, सब में 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 हो जाएगा ना, और बराबर में कितना तो 0। तो बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ना होगा। गुणनखंड कैसे टूटेगा वही में माथा पिच करना है, तो सीखिए थोड़ा सा, जैसे आप लोग नहीं जाना है तो देखिए गुणनखंड तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको में इसको से गुना तो कितना हो जाएगा 750 ही ना, 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब इसमें इससे गुना। अब 750 को इस प्रकार से तोड़िए कि बीच में जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए, तब इसको हम एक्स स्क्वायर और गुना करने पर 750 भी आना चाहिए एक्स स्क्वायर। आप सोचिए कि इसको क्या कर देते हैं 5x को कि 30x और माइनस 25x और माइनस 750 और बराबर 0, इतना में हम इसको क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं, इतना में तोड़ देंगे तो देखिए सॉरी इसको प्लस में रखिए तो 30x में से क्या हो जाएगा 25x घटेगा तो 5x बच जाएगा और 30 में 25 से गुना कीजिएगा तो 25 दिया है 75 750 आ जाएगा ना, तो इस प्रकार से टूटेगा। अब कुछ नहीं इसका कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लिया जाता है वैसे कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स और प्लस 30, हम जानते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तो एक्स प्लस 30 दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या करना पड़ेगा माइनस में 25 करना पड़ेगा ना, माइनस 25 तब ना इसमें इससे गुना हो जाएगा तो माइनस 25 है, इसमें इससे गुना हो जाएगा 750, यानी कि x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस में 25 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 30 और x बराबर 25। अब यहाँ पे यह बताइए कि कभी भी चाल माइनस में होगा, ये जो रेलगाड़िया था तथा रेलगाड़िया बैक गियर में जा रहा था, जाए लगी है हमको पुरानी बाजार तका रिवर्स गियर मार कर चल जाएंगे मिल की नहीं ना। अब इस तरह से इसको क्या है आगे की ओर बढ़ना होता है, यहाँ पे माइनस में तो हो नहीं सकता है, यानी कि यह आपको क्या है अमान्य है और यह क्या है आपका मान्य है, यानी कि रेलगाड़ी का चाल 25 हो जाएगा, चाल कभी निगेटिव में नहीं होगा।
यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स बराबर 25 किलोमीटर पर घंटा। यह द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था। हम प्रयास किए कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, मिटाते हैं। इसमें दो चर नहीं ना आया था, यह द्विघात समीकरण का ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज निर्धारित समय पर निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है, यानी कि टाइम जिस टाइम में चलना है, मान लीजिए कि चलना है हमको 8 बजे और चल रहे हैं 8:30 बजे, तो 30 मिनट यानी कि लेट, निर्धारित समय से देर से चल रही है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है, कुछ रेलगाड़ी से कहाँ हम चल गए जी, सॉरी ई में गुम में हमारे नंबर क्वेश्चन, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलती है, अपने 1500 किलोमीटर दूर लक्ष्य तक ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसे अपनी सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। जैसे क्या होता है कि हमको कहीं पहुंचने का है, यहाँ समझिए यह मेरा मंजिल है, यह मेरा मतलब कि मंजिल है, यहाँ पे हमको पहुंचना है, हम यहाँ पे हैं, हम जान रहे हैं कि हमको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, और हमको यदि हम यहाँ 8 बजे से शुरू करें तब हम यहाँ पे अपने निर्धारित समय पर पहुँच सकते हैं। जितना टाइम लगता है हमको स्पीड, अगर नॉर्मल स्पीड में चलेंगे तो हमको 8 बजे चलना होगा, लेकिन मेरा यहीं पे लेट हो जाता है, हम क्या कर देते हैं 8:30 कर देते हैं, तो हम तो आधा घंटा लेट हो गए। तो हमको यहाँ से अब यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देंगे ना, तो जो मेरा लेट हुआ वह मैनेज हो जाएगा, यानी कि फिर भी हम यहाँ एक्चुअल टाइम पर पहुँच पाएंगे यहाँ से लेट होने के बाद। यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन आपका है कि हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट क्या है, देर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हवाई जहाज का चाल मान लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को समझ में आने लगेगा जैसे जैसे क्वेश्चन वैसे वैसे चलेंगे। तो माना कि हवाई जहाज की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या है, समय बराबर हम जानना करते हैं, समय बराबर आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्या होता है दूरी बटा चाल। चलिए समय बराबर हम लिख दिए। अब प्रश्न जैसे कहेगा वैसे ही करेंगे प्रश्न से। अब देखिए 30 मिनट लेट हो जाता है ना, 30 मिनट देर से मतलब कि चलना ही प्रारंभ किया है, देर हो गया है, तब पहले इसको जाना कितना था, तो पहले तो जाना था 1500 और लेट कितना किया है तो 30 मिनट, समझिएगा यहाँ पर, तब 1500 और उसका जनरल चाल कितना है x, सामान्य चाल x है ना, लेकिन यदि वह इसी दूरी को यदि x आप प्लस 250 कर देता है तो यह आधा घंटा का अंतर मैनेज हो जाता है, यहीं पे समझना है, यानी कि 1500 बटा x माइनस 1500 बटा x प्लस 250 यानी कि बराबर आधा घंटा, यानी कि पहले का स्पीड सामान्य स्पीड में से बढ़ाया हुआ स्पीड को घटा देगा तो समय का अंतर 30 मिनट, तो एकरो घंटा में बदल देते हैं, तो क्या करेंगे 60 से पटक के भागा दे देंगे, तो यहाँ पर 60 से भागा दे देंगे, समझ रहे हैं आप लोग, तो 60 से भागा दे देंगे तब यहाँ पर कटेगा, तो काट कूट कर देंगे, तो कट ही जाएगा तो 1/2, और इधर का प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल लग रहा है तो इधर सोल्व करेंगे, तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि एक देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 250 हो जाएगा ना, तो इससे तो ये खत्म, लेकिन अब 1500 में गुना हो जाएगा एक्स प्लस 250 से, यानी कि 250, अब इसमें ई खत्म, यानी कि 1500x अब बराबर में 1/2। चलिए अब यहाँ पे 1500 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500x हो जाएगा, अब 1500 में अब 250 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा
इसका 3, 7, 5 और 25 में 15, तो 25 2 6 7 3 और इस पर क्या हो जाएगा कि 2 1 3 को 0, ठीक है, एक और 0 है इतना। अब माइनस 1500x हो गया। अब बटा में अब इसको क्या करेंगे, तो इसको में इसको से गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको में इसको से 250 बराबर में 1/2। चलिए अब यहाँ पे ये 1500x लंघड़ेगी, लंघड़ गया। चलो अब यहाँ पे कितना है, अब इसको में अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल के प्रक्रिया चालू, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, इसको में जब इससे गुना करेंगे तो देखिए ना, पहले इससे कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 250 और हेकरा में हेकरा से गुना, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 7 × 14 हो 15 3 × 6 7 3 × 0 या दे दिए, यहाँ पे कितना है माइनस और बराबर में 0, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको गुणनखंड तोड़िए, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 250 आना चाहिए, गुना करना पर इतना आना चाहिए, तो आपका अब क्या करते हैं हम कि यहीं पे छोड़ देने का, तो अभी देते हैं, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और आपका 1000x में से -750x और -15 1 2 3 4 ठीक है हटा देंगे, तब आपका गुणनखंड टूट गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन होगा, कितना हो जाएगा x कॉमन, तो x और प्लस 1000 और x प्लस 1000 तो इधर भी होगा, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा -750। अब चलिए अब इधर आ जाते हैं, एक हो जाएगा एक्स माइनस 750 बराबर 0 और एक हो जाएगा एक्स प्लस 1000 बराबर 0, तो एक्स बराबर 750 और एक्स बराबर -1000। तब हम पहले ही बताए थे कि स्पीड जब भी होगा तो धनात्मक होगा, धनात्मक क्यों होगा ना, तो लिख देंगे अतः चाल धनात्मक होने के कारण, अतः चाल धनात्मक होने के कारण, धनात्मक होने के कारण हवाई जहाज की चाल बराबर 750 किलोमीटर पर घंटा, लिख दीजिएगा आपका यह आंसर हो जाएगा, यह अमान्य हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन सॉरी 36 हाँ 36 है 36 नहीं 37 ये आपका हवाई जहाज वाला है ना, हवाई जहाज यानी कि 37 ये आपका क्वेश्चन नंबर 37। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 38 में, इसको मिटा देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से था, इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, जान रहे हैं कि आप लोगों को किसी किन्हीं को दिक्कत होगा एकाएक द्विघात समीकरण मिलने से, अगर जो समझ जाएंगे या फिर समझ गए होंगे कि हाँ हमको यह समझ में आ गया है द्विघात समीकरण, तो हमको बता दीजिएगा। चलिए अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, नंबर चेंज करते हैं नंबर। देखिए एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से या और आंशिक कार से करता है, यानी कि यहाँ पे दूरी कितना है 600 किलोमीटर है, कुछ क्या कर लेता है कि रेलगाड़ी से चल लेता है और कुछ कार से चलता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है, यानी कि 400 रेलगाड़ी से तो 200 कार से, 600 टोटल दूरी है ना, तब उसे 6 घंटे 30 मिनट समय लगता है, किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करता है तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे पलट गया कि 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से कर दिया,
और 400 किलोमीटर कार से, पहले था 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर कार से, अब हो गया 400 किलोमीटर कार से और 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तब क्या हो जाता है कि उसको आधा घंटा अधिक समय लगता है तो रेलगाड़ी एवं कार दोनों के चाल निकालना है। तो दोनों के चाल निकालना है इसका मतलब कि यह आपका दो चर वाला आ गया। पहले एक ही का रहता था तो वह द्विघात वाला था, एक चर वाला था, अब दो चर वाला आपका आ गया। चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं रेलगाड़ी का चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कारों के चाल मान लेते हैं, तो कार के चाल हो जाएगा कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया कार का चाल। अब समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। अब बढ़ेंगे प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि पहले 400 किलोमीटर कोची से गया है, तो पहले 400 किलोमीटर गया है रेलगाड़ी से, तो 400 बटा x, आओ फिर कोची से गया है 200 किलोमीटर करवा से गया है, तो 200 बटा y, तो देखिए ना दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल दोनों समय है ना, तो टोटल समय कितना लगा है, समय बराबर समय कॉन्सेप्ट में होगा, तो टोटल समय लगा 30 मिनट, तो 30 मिनट लगा है, कितना लगा है 30 मिनट ना, आपका समय लग गया है 6 घंटा 30 मिनट, कोई बात ना, 6 और यहाँ पे बटा में 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे लिखना पड़ेगा 60, कर देते हैं बटा में 60। चलिए क्या करेंगे, काट दीजिए 30 दुना का 60, यानी कि इसको ऐसे हो जाएगा 6 × 1/2, तो इसको पूर्णांक घटाइएगा तो 6 × 12, अब 13/2 होगा ना, तो यहाँ पे आपका यह हो गया 400 बटा में x प्लस 200 बटा में y बराबर 13/2 समीकरण पर। अब चलिए फिर प्रश्न से, अब की क्या कहता है प्रश्न कि आपका पलट गया है खाली, अबरी की 200 कार से था 400 ट्रेन से था ना, 200 कार से 400 ट्रेन से, तो अबरी बदल गया, अबरी की 200 के ट्रेन से और 400 के कार से, तो चलिए अब इसको हो जाएगा क्या, 400 की जगह पर अब की बार हो जाएगा 200 बटा x और प्लस में 400 बटा में y बराबर, समय कितना लगता है, तो समय लगता है आधा घंटा ज्यादा, यानी कि जबरी था 6.5 घंटा, 6 घंटा 30 मिनट, तो अबरी हो जाएगा 7 घंटा बराबर में 7/2। अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस तरह के हजारों लगभग 40-30 बहुत सारा मतलब कि 30-40 इक्वेशन से कम नहीं सोल्व किए पूरा मिला करके, जिसमें से आपको 5-10 क्वेश्चन ऐसा भी था भिन्न वाला भी था। अब इस प्रकार से जब आपको क्या हो गया कि इसको आपको खुद से सोल्व करना है, अब आप जैसे कीजिए, आपको हम हिंट दे देते फिर भी यहाँ पे आप 400 बटा एक्स है तो 1/x बराबर यू मान लीजिए, 1/y बराबर भी मान लीजिए, और वैसे करके भी हेल्प कर सोल्व कर सकते हैं। हम आपको ऐसे भी बताएं कि डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं, ऐसे भी कर दीजिए कि समीकरण 2 में क्या कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो 400 बटा एक्स हो जाएगा ना, और घटाइएगा तो ये लोग घट ही जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण फर्स्ट में वैसे छोड़ दीजिए और दोनों करके काट दीजिए, वाई का मान जैसे है अब आप निकालिए एक्स और वाई का मान, हम इसको छोड़ देते हैं, आपका इक्वेशन रेडी हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 39 में, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं। पचास साठ से तो कम नहीं हुआ होगा पूरा चैप्टर मिला करके, जिसमें से 5-10 क्वेश्चन ऐसा होगा ही जरूर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कर रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखिए अब यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल इन सभी बातों को समझना पड़ेगा, तो समझते हैं पहले।
सॉरी 49 गया, तब 40 को जाता 39 देखिए फिर से, सॉरी 39 में है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। देखिए ए वो राजमार्ग है, इस तरह का क्वेश्चन तो बनाए ही हैं हम, ए और बी है। 39 देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है और उसके बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर कर दिए। क्या कर रहा है? एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना शुरू किया, एकदम बनाया हुआ एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम आपको एक इक्वेशन थोड़ा जल्दी में कर देते हैं, निकाल देते हैं, ऐसा तो समझा ही चुके हैं। चलिए माना कि स्थान ए से चलने वाली क्या है, कौन सा गाड़ी है? तो आपका है कार ही। चलिए चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, b से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब प्रश्न से जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे, हाँ और क्या, हम जानते हैं कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर हम जानते ही हैं कि दूरी बटा समय क्या करता है कि दोनों मतलब कि एक ही दिशा में जाता है, हम बताए थे कि दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो यह तभी क्रॉस करेगा जब इसका चाल ज्यादा होगा, यानी कि एक्स और माइनस वाई बराबर कितना देरी में क्रॉस कर लेता है, तो आपका करता है यहाँ पे 8 घंटा में, तो 8 घंटा में क्रॉस करता है, इट मीन्स कितना दूरी है 80 किलोमीटर ना 8 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय काट देंगे तो 10, तो एक इक्वेशन आपका एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 10। फिर प्रश्न से अब क्या करते हैं कि आपकी हो गया आपका विपरीत, आपकी बार क्या हो जाता है कि चाल दिशा क्या हो जाता है, एक ही दिशा था, आपकी दिशा हो जाता है विपरीत, तो विपरीत दिशा हो जाएगा, तो हम बोले थे कि यदि विपरीत दिशा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई और कितना समय लगता है, 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मतलब कि आपका हो गया दूरी तो 800 है ना, दूरी तो 800 है, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 20 यानी कि 1.20/60 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 60 यानी कि हो जाएगा 800/3, 3 × 3 = 4, 4/3 यानी कि हो जाएगा 800, सॉरी ऊपर में 800 नहीं 80 ना था, 80 है ना, 80 तो 80 880 गुने 3/4, 4 से काट दीजिए कि कितना बार में 20 बार में, तो 20 60 हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 60 इक्वेशन सेकंड। इसका भी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड आपको हल कर पाइएगा तो और आसान है आपका, कि तो देख रहे हैं कि वाई से वाई सीलो हट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60 + 10 = 70, तो x का मान 35, तो y का मान निकाल लीजिएगा, ये तो बन जाएगा आपसे 39 नंबर क्वेश्चन खलास। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन कुछ छोड़ना भी पड़ता है, वीडियो लंबा हो जाता है ना, एक ही टाइप का है तो आप लोग तो बना ही लीजिएगा, जिसका हमको पूरा विश्वास होता है वही छोड़ते हैं। चलिए आपको 40 नंबर में आते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर। चलिए तो मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पे ये वो नाव है, पहले हम आपको समझा देते हैं, आपका यह नाव हो गया, जैसे यह आपका नाव है, यानी ठंडा उठा है, ये धारा है, धारा आपको पता चल रहा है कि इसमें किधर है, तो नाव इधर इधर की ओर पानी का धारा है, जल पानी कुछ रहे उसका चाल है इधर की ओर। अब बताइए ये नाव जो है चलेगा पानी में तो धारा के दिशा में चलेगा, तो धारा भी तो उसको धक्का देकर के कुछ मदद करेगा,
अगर विपरीत दिशा में चलेगा, अगर इधर चलेगा तो धारा उसको रोकेगा, यानी कि यदि धारा के अनुकूल मतलब कि धारा के साथ है, यानी कि जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में, आप प्रतिकूल माने कि धारा के विपरीत, यानी कि धारा चल रहा है इधर तो वो चलेगा इधर, समझ रहे हैं यहाँ पे। तब यहाँ पे कह रहा है कि नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर क्या होता है, 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तब चलिए इसका आप आते हैं, मान लेते हैं इसमें आपको पानी का चाल भी, शांत जल का भी चाल मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं नाव की चाल। तो माना कि नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी का भी चाल, धारा के चाल का ये चाहे पानी का चाल मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल समझ, धारा के अनुकूल माने कि दाने धारा चल रहा है उधर नाव चलेगा तब अनुकूल, और प्रतिकूल माने कि धारा इधर का नाव इधर का तब प्रतिकूल हो गया, ठीक ना। तब यहाँ पे क्या है, समय बराबर ढलते हैं दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। प्रश्न से पहले, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 16 किलोमीटर समय हम निकाल रहे हैं, टोटल समय कितना तय करता है, टोटल समय इसको लगता है 6 घंटा, जेकरा में 16 किलोमीटर जो दूरी है वह धारा के प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक समय से वाई घटेगा, प्रतिकूल माने धारा एने के है और नाव जा रहा है इधर, तो नाव को रोकने का प्रयास करेगा ना धारा, तो ये जो धारा का चाल होगा वह मतलब उधर से हम इधर से जा रहे हैं 20 की स्पीड से, यह नाव जो है 20 की स्पीड से जा रहा है, उधर से धारा का भी स्पीड 5 का है, तो 5 किलोमीटर पर आवर इसको तो रोकेगा ना, तो इसलिए एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है कि आपका गया है 24 किलोमीटर, कितना धारा के अनुकूल, तो धारा के साथ जाएगा तो नाव का चाल और धारा का चाल दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट। फिर प्रश्न से अब की क्या होता है, तो आपका है 12 किलोमीटर प्रतिकूल तो एक्स माइनस वाई और प्लस कितना 36 किलोमीटर है अनुकूल, तो 36 बटा में एक्स प्लस वाई और बराबर टोटल समय कितना है, तो 6 घंटा लगता है, ठीक है। उतना ही समय का मतलब क्या है, 6 घंटा लगता है, ये आपका समीकरण सेकेंड। अब इसको आप क्या करिएगा, कैसे बना पाइएगा, तो यहाँ पे अब आप लोग 1/x-y को मान लीजिए, 1/x-y है ना, तो 1/x-y को मान लीजिए a, और 1/x-1/x+y को मान लीजिए b, और 16 1+, देखिए थोड़ा सा आगे कर देते हैं, माना कि 1/x-y बराबर a तथा 1/x+y बराबर b हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा क्या 16a+24b बराबर 6। तो यहाँ पे यदि आप कॉमन भी ले सकते हैं, कितना कॉमन ले लीजिएगा, तो आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए सपोज 2, तो 8a+12b बराबर कितना हो जाएगा 3, यह आपका हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, कहीं तो थर्ड न, तो इसको मिटा दीजिए, इसी को फर्स्ट मान लीजिए, फिर इसी प्रकार का हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 12a+36b बराबर 6, यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 6 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2a+6b बराबर 1, समीकरण 4। ये नहीं देखा, इसको नीचे से ऊपर कर देते हैं, जैसे 12a है ना, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं, इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 2a+ कितना, यह हो जाएगा 6 कॉमन लिया है, तो 6b बराबर 1, समीकरण 4। देखें, समीकरण 3 और 4 से क्या कीजिए, हल कीजिए,
और ए और बी का मान निकालिए, तो पहले ए और बी का मान निकलेगा और उसके बाद फिर एक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा, दोनों का चाल निकल जाएगा। समझे? थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा देते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, इस समीकरण फर्स्ट में एक सॉरी समीकरण थर्ड कर दिए हैं इसको, तो समीकरण थर्ड गुने समीकरण थर्ड गुना एक बार नहीं करते हैं से, समीकरण फोर में गुना कर देंगे हम कितना से, तो चार से गुना कर देंगे, तो दो चौका आठ ही हो जाएगा मेरा, यानी कि आठ ए प्लस छ आठ ए प्लस बारह बी, बारह बी बराबर तीन। अब फिर कितना हो जाएगा, इसको मैं चार से गुणा कर रहे हैं, तो आठ ए प्लस छ चौका चौबीस बी बराबर चार, माइनस 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 इन लोग घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस बारह बी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कितना ए हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो बी का मान वन बटा बारह। अब बी का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, जिसमें इच्छा उसमें, सेकंड में रख देते हैं सॉरी समीकरण चार में रख देते हैं, समीकरण चार में बी का मान रखने पर कितना है, समीकरण चार टू ए प्लस सिक्स बी बराबर वन, टू ए प्लस छ गुने एक बटा बारह बराबर वन, छ दूनी बारह कितना हो जाएगा टू ए, और उधर जाएगा तो वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, तो इधर ए बराबर टू एल सी एम, तो टू माइनस वन अभी टू ए छोड़ देते हैं, तो ए बराबर एक बटा दू, और दू इधर गुना में नीचे आ जाएगा, इधर फिर गुना में इधर भाग हो जाएगा नीचे, यानी कि ए बराबर एक बटा चार। अब का तो बना ही दीजिए, तो कितना हो जाएगा वन बटा एक्स माइनस ए, वन बटा में एक्स माइनस वाई बराबर ए मान। अब फिर क्या है, तो आपका वन बटा में एक्स प्लस वाई, जब हम इधर मिटा देते हैं, वन बटा में एक्स प्लस वाई बराबर कितना बी किए ना, तब इसको लिखेंगे ऐसे, इधर मिटाना आप चालू कर देते हैं, वन बटा एक्स माइनस वाई बराबर एक, जब कितना है ए का मान आया एक बटा चार, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर चार, यहाँ पर समीकरण कर दीजिए पाँच, यहाँ हो जाएगा वन बटा एक्स प्लस वाई बराबर में बी, बी का मान कितना है, कहाँ गया बी, ए बी का मान एक बटा बारह, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर बारह समीकरण, इसको कर दीजिए छः, इसको इसको हल कर दीजिए, चार निकाल दीजिए। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, मिटाते हैं इधर, थोड़ा सा मैं कह के लिए छोड़े, जब इतना बना दिए तो समीकरण कितना से पाँच तथा छः से, तो पाँच कितना है एक्स माइनस वाई बराबर में चार, एक्स प्लस वाई बराबर में बारह, ये कट जाएगा ना, टू एक्स बराबर सोलह, तो टू अठे यानी कि एक्स बराबर आठ, कोई में मान रख दीजिए समीकरण पाँच में चाहे छः में, कोई में किसी में भी हम रख सकते हैं समीकरण पाँच में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ठीक है समीकरण पाँच कितना है एक्स माइनस वाई बराबर है चार, तो आठ माइनस वाई बराबर चार, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बराबर चार माइनस आठ, तो माइनस वाई बराबर इधर हो जाएगा माइनस चार, कट जाएगा वाई बराबर चार, यानी कि धारा की चाल हम एक्स माने थे, तो धारा की चाल एक्स बराबर आठ किलोमीटर, और इसका स्थान धारा की चाल माने थे एक्स, एक्स हम माने थे नाव की चाल, नाव की चाल एक्स बराबर हो जाएगा आपका आठ किलोमीटर, और धारा की चाल आपका हो गया चार किलोमीटर। इस तरह से आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन में और आंशिक रूप से कार से करता है। देखिए उसी टाइप का है 41 में भी कोई अति नहीं है, इसको भी मान लेते हैं, माना कि ट्रेन की चाल पहले, माना कि ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है आपका ट्रेन के साथ है आपका
कार, तो कार का चार्ज मान लेते हैं आपका वायु किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्लीन कर देते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा चार्ज। प्रश्न सर, प्रश्न से आपका क्या है कि कितना, प्रश्न में कह रहा है कि 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से कार से करता है। कितना यात्रा है 370 किलोमीटर का ना, तब आपका इसमें 250 ट्रेन से हो गया, तो 250 बटा में एक से, और कितना है आपका जो बच गया वही ना हो गया कार से, तो 250 और 370 है, यानी कि आपका बच जाए कितना 120। तो 120 बटा में वाई बराबर समय कितना हो जा रहा है, तो आपका 4 घंटा लगता है। अच्छा हो गया, अब यहाँ पे आपको इसी को छोड़ देते हैं समीकरण फर्स्ट इतना में। फिर प्रश्न से तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब की बार है 130 किलोमीटर, तो 130 अब बटा में एक प्लस कार से कितना है, तो आपका जो बच गया यानी कि आपका घटाएंगे 370 में से 130, तो हो जाएगा आपका 240 बटा वाई बराबर टोटल समय कितना लग रहा था 18 मिनट अधिक, यानी कि 4 घंटा 18 मिनट। तो 4 घंटा 18 मिनट को सेकंड अधिक घंटा में बदलेंगे कर देंगे ऐसे। अब इसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कटेगा तो 3 × 6 = 18 और 10 × 6 = 60 हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक से हटाइए तो 10 × 6 = 40 = 43 बटा कितना हो जाएगा 10, यानी कि 130 बटा x प्लस 240 बटा y आप बराबर में आप क्या कीजिए, इसका हो जाएगा 43/10। समीकरण सेकंड ई वाला का हम हल नहीं करेंगे पूरा, ये पूरा हिंट तो आप लोग जान ही जा रहे हैं। क्या करिएगा, माना कि 1/x बराबर क्यू क्यू ए बी सी डी हमारा तोरा कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं हम यूए मान लेते हैं, तथा 1/y बराबर कितना ए, करके इसको हल कीजिएगा तो 250 एक्स यू और 120 भी, इस तरह से आप लोग हल कर पाइएगा। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.5 आपका खत्म होता है, कंप्लीट होता है। यह बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि आपका 3.5 आपका दो चर वाला का एकदम पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। खत्म होने की खुशी में कमेंट आप जरूर कीजिए, क्योंकि आई लव कमेंट, आप लोग कमेंट करते हैं तो उनको आइडिया मिलता है कि हाँ संतुष्टि हो रहा है या नहीं, या फिर ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हैं। कमेंट से आप लोग क्या करते हैं, कमेंट करना नहीं चाहते पता नहीं क्यों। और एक बात, आपका आगे अब इस चैप्टर से आपका अति लघुतरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आप लोग सुन लीजिए, अति लघुतरीय का आपका और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा, उससे भी है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यह आपका पार्ट 14 था, दैट्स ऑल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।